उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक ही परिवार के चार लोगों द्वारा आत्महत्या करने वाले परिवार में बचे माता पिता से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि सूदखोर से परेशान होकर यहाँ एक व्यापारी ने अपने परिवार के चार लोगों के साथ आत्महत्या कर ली। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि प्रदेश में सूदखोरों का एक बड़ा जाल है जो कि लोगों से कई प्रतिशत ज्यादा ब्याज वसूल कर लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। ऐसे सूदखोरों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना है कि सूदखोरों द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसे भी नष्ट करने की कार्रवाई पूरे प्रदेश में की जाएगी। आश्वासन दिया है, किस तरह के न्याय का आश्वासन दिया गया पूरे परिवार को? देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग भी दोषी हैं और सूदखोरों का जो ये नेक्सस है, जैसे भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई होती है, उसी तरह से इनको भी नेस्ता नाबूद करने की कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों पे किस तरह से नकेल कसते हैं, किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है। निश्चित रूप से इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और इस पीड़ित परिवार को तो न्याय मिलेगा ही, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए भी कठोर कार्रवाई होगी। इनकी पुस्तें याद रखें। सर, एक सवाल ये था कि ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया पूरे बरेली मंडल में, लेकिन बाद में रुक गया। क्या ऐसे पूरे ऑपरेशन मुक्ति चलाया था पूरे समय में चलाया गया सूदखोरों, लेकिन वो रुक गया? क्या मानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये सूदखोर जो 180% सालाना पे पैसा दे रहे हैं, 10-15% पे, कोई 10 लाख, 5 लाख लेकर के उसको साल भर में ही 2-3 गुना कर दे रहे हैं उसके ऊपर। इस तरह से डिप्रेशन में आकर के आदमी इस तरह के कदम उठाता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे कि ऐसे जो सूदखोर हैं, जैसे हम खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया पे कार्रवाई करते हैं, इसी तरह से इन सूदखोरों पर भी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से अभी मैं बात करूंगा, कप्तान से भी बात करता हूं, डीएम से भी बात करता हूं कि जो भी इसके पीछे है, जैसे अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से, जो 2 लोग और गिरफ्तार नहीं हुए वो भी गिरफ्तार हो और इसमें जितनी कठोरतम धाराएं लग सकती हैं उस धाराओं में कार्रवाई हो, ताकि आस पड़ोस भी जो लोग इस तरह का काम करते हैं, पूरे प्रदेश में इस तरह का मैसेज जाए कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और प्रमुख संपत्तियां जब्त कर रहे हैं जो अवैध। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की भी संपत्तियां जब्त होगी, कठोर कार्रवाई होगी। आपने देखा है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों को बुलडोजर चला करके उनकी संपत्तियों को कुर्क भी किया जाता है।